नमस्कार, हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल में 8 दिसंबर को 58 स्थानों पर होगी काउंटिंग, ईवीएम से पहले गिने जाएंगे पोस्टल बैलेट। सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली रवाना, केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री के समक्ष रखेंगे हिमाचल की 3 मांगे। हिमाचल में नहीं चलेगा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, राठौर बोले पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस। बीजेपी का कांग्रेस पर तंज, करण नंदा बोले कांग्रेस के नेता देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। फ्रेंडशिप पीक पर लापता पर्वतारोही आशुतोष के मिलने की जगी आस, मिला हेलमेट, विशेषज्ञों की टीम भेजी। मंडी के सराज में 3 घर और 3 पशुशालाएं जल कर राख, बूढ़ी दिवाली मनाने गए थे घर के लोग। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 8 दिसंबर को 58 अलग अलग स्थानों पर काउंटिंग की जाएगी, यानी राज्य की 68 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों की काउंटिंग उस सीट से बाहर के एरिया में होगी। काउंटिंग से पहले 2-3 दिसंबर को पहले चरण की रिहर्सल होगी। 7 दिसंबर को पोलिंग स्टाफ को सेकेंड फेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार सभी 68 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती का काम 8 दिसंबर की सुबह 8 बजे एक साथ शुरू होगा, जो मतगणना पूरी होने तक चलेगा। प्रत्येक उम्मीदवार को काउंटिंग सेंटर पर लगाए गए टोटल काउंटिंग टेबल के हिसाब से अपने काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की अनुमति होगी। रिटर्निंग अधिकारी के काउंटिंग टेबल और पोस्टल बैलेट के काउंटिंग टेबल पर भी एक काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकेगा। सीएम जयराम ठाकुर गुरुवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। केंद्रीय बजट के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ 25 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक बुलाई है। इसमें सीएम जयराम ठाकुर हिमाचल की 3 मांगे रखेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी साथ गए हैं। इस बजट बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से जीएसटी मुआवजे को बहाल करने का विषय प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहाड़ी राज्यों में हवाई कनेक्टिविटी व एयर एम्बुलेंस की मांग भी रखी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक विकास योजना को भी बहाल करने की मांग होगी, तभी प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह दूसरे प्रदेशों में हॉर्स ट्रेडिंग कर सरकारें बनाई हैं, ये प्रयास हिमाचल में भी हो सकता है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीजेपी को केवल 23 सीटें मिल रही हैं, जिससे ये साबित होता है कि सत्तारूढ़ बीजेपी चुनाव में हार मान चुकी है। वहीं राठौर ने कहा कि पार्टी से सीएम चेहरा कौन होगा, इसका निर्णय पार्टी हाईकमान करेगी। नतीजे आने से पहले पार्टी दिल्ली से ऑब्जर्वर को हिमाचल भेजेगी और ऑब्जर्वर यहां पर जीतने वाले सदस्य से बात करेंगे। इसके बाद ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। अंत में हाईकमान ही सीएम चेहरे को लेकर कोई निर्णय ले सकेगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया है। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस देश को सिर्फ तोड़ सकती है, जोड़ नहीं सकती। कांग्रेस ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, तब से कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। नंदा ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की यात्रा से कोई डर नहीं है, पर कांग्रेस बीजेपी से पूरी तरह डरी है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बंपर वोटिंग हुई है, उससे साफ है कि प्रदेश में बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। नंदा ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा रही है, जो निराधार है। 8 दिसंबर को जब परिणाम सामने आएंगे, तो बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें लेकर प्रदेश में दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली के फ्रेंडशिप पीक पर ग्लेशियर की चपेट में आने के बाद लापता हुए पर्वतारोही आशुतोष की गुरुवार 5वें दिन मिलने की उम्मीद जगी है। आज 5 दिन बाद रेस्क्यू टीम को पर्वतारोही का हेलमेट मिला है। वहीं आशुतोष की तलाश के लिए अब नई विशेषज्ञों की टीम को भी तलाश के लिए भेजा गया है। इस रेस्क्यू टीम को तिरंगा नाम दिया गया है। ये टीम अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के तत्वाधान में सियाचिन में तैनात रहती है और इस टीम के सदस्यों को हिमस्खलन में लापता हुए लोगों को तलाश करने के बेहतर तरीके पता है। मंडी जिला के सराज में बूढ़ी दिवाली मनाने गए 3 परिवारों के घर जलकर राख हो गए।
सराज के दूरदराज पंचायत चिउणी के बुराहड़ा गांव में 3 घर और 3 पशुशालाएं जल गई। चिउणी पंचायत के प्रधान इंद्र सिंह ने बताया कि जब घर के कुछ सदस्य बूढ़ी दिवाली मनाने पहाड़ी से दूसरी ओर गए थे तो बाकी सदस्य घर पर सोए हुए थे। इसी दौरान घर में आग लग गई। इस आग से आसपास के 3 घर जलकर राख हो गए, वहीं 3 पशुशालाएं भी जल गई हैं। आग ने घर में रखा सारा सामान, अनाज, कपड़े, बर्तन, गहनों सहित नकदी को भी जलाकर राख कर दिया है। आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग से हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।